क्विक अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू रियल होम मेकिंग। कैसे हो आप सब, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज है सैटरडे, मेरे अकॉर्डिंग आज अष्टमी है, क्योंकि मेरे दोनों घर पे नवमी संडे को मनाई जा रही है, बट हमारे यहाँ जो इंडियन टेम्पल है वहां पर आज के दिन नवमी मना रहे हैं और उसका एक छोटा सा फंक्शन भी है, तो आज शाम को हम लोग वो अटेंड करने जाने वाले हैं। और मैं आप सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंडियन फेस्टिवल्स मनाते हैं। एक्चुअली हमारे शहर में इंडियन कम्युनिटी बहुत छोटी है और जो यहाँ पे टेम्पल है वो भी काफी छोटा है, तो थोड़े छोटे स्केल पे सारे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। बट श्योरली अच्छा लगता है ना जब अपनी कम्युनिटी के साथ आप लोग मिलजुल के कुछ फेस्टिवल्स मनाते हो, मिलते हो, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूंगी। और एक क्विक अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। लास्ट टू डेज वर अ लिटिल टफ फॉर अस बिकॉज थर्सडे को जब हम गोविंद को स्कूल से लेकर आए ही वॉज डाउन विथ फीवर, और उसके स्कूल में नोटिस लगा हुआ था कि अगर आपके बच्चे को फीवर है, कफ है, तो यू शुड चेक फॉर इन्फ्लुएंजा ए, दैट इज स्वाइन फ्लू। तो जब वो घर आया और उसे फीवर था, आई गॉट रियली स्केयर्ड, मुझे लगा कि कहीं उसको ये स्वाइन फ्लू तो नहीं हो गया, बिकॉज अंशुल को हो चुका है एक बार स्वाइन फ्लू इन 2016 व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद अनिरुद्ध। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी पहले, उस दिन मैंने उसे टैलेनॉल वगैरह दिया, मुझे लगा कि देखते हैं कि शायद उसका फीवर जो है कंट्रोल में आ जाए, बट कल तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी, तो आई थॉट आई शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। तो हम लोग उसे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर गए एंड उसके सारे टेस्ट वगैरह हुए एंड लकीली सारे टेस्ट नेगेटिव आए। सो डॉक्टर सेड इट माइट बी सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉज्ड हिम फीवर, एंड कल के बाद तो उसकी काफ़ी इंप्रूवमेंट भी है तबीयत में, अब ही इज प्लेइंग, ही इज ईटिंग वेल, एंड उसे कल रात से फीवर भी नहीं आया, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड यही एक अपडेट था। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं एथनिक पहनने वाली हूँ, ऑलमोस्ट येस, दिवाली के बाद मैंने कभी भी एथनिक नहीं पहना, सो इट्स लाइक 4-5 मंथ्स हो गए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं सूट वगैरह पहनूंगी। और आज सोचा है कि प्रॉपर ड्रेसअप होंगी, मेकअप वगैरह करूंगी, तो काइंड ऑफ गेट रेडी विद मी एंड ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं नेल पेंट लगा लूँ अभी, क्योंकि मैं खाली बैठी थी और कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो सोचा पूरी अच्छी तरह तैयार होकर जाऊँगी आज। और मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेटिव नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू नेल पेंट, बट लिपस्टिक के केस में मेरे पास बहुत कलेक्शन है और मैं लिपस्टिक्स बहुत खरीदती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट नेल पेंट जब भी मैं खरीदने जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एंड अप बाइंग पिंक्स एंड रेड्स। तो मेरे पास बहुत कम नेल पेंट्स है, देखिए एक रेड है, एक पिंक है, और ये मेरे पास दो ग्लिटर कलर्स हैं जो कि मैं कभी भी नहीं यूज़ करती। उसके बाद एक ये है, ऑरेंज शेड है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पुराना शेड है ये मेरा, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स पुराना। और ये तो टॉप कोट है नॉर्मल, और एक ये शेड है मेरे पास जो कि मैं कभी कभार डेली वेयर में यूज़ कर लेती हूँ। तो आज फाइनली मैं रेड लगा रही हूँ, बिकॉज रेड तो ऐसा कलर है जो सभी चीज़ों के साथ चला जाता है, चाहे आप वेस्टर्न पहने चाहे आप इंडियन पहने। और रेड कलर की एक अच्छी बात ये है कि आप सिंगल कोट भी लगाते हैं तो ये आपको फुल कवरेज देता है, तो नो नीड टू अप्लाई डबल कोट्स, और सिंगल कोट तो सूख भी बड़ी जल्दी ही जाता है। आई वुड लव टू ट्राई फंकी कलर्स, अगर आपके पास कोई मेरे लिए सजेशन है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, मैं ज़रूर कोई पिंक और रेड के अलावा कलर्स ट्राई करना चाहूँगी, मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया जैसे ग्रीन और ब्लू जैसे शेड्स होते हैं, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू ट्राई, आप मेरे साथ ज़रूर अपने रिकमेंडेशंस शेयर करिएगा। और जब मैं ये लगा रही थी तो मुझे अनिरुद्ध की भी आवाज़ आ गई, वो शायद उठ गया है सोकर, तो सिंगल कोट तो जल्दी से सूख जाएगा, उसके बाद फिर मुझे उसे भी देखना है, हम मॉम्स का तो ये सब चलता ही रहता है। और अभी सबके लिए बना है ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस, डू यू लाइक ऑरेंज जूस? अच्छा लग रहा है? Yes. Okay, I'll give you in your special glass. इसमें पीना है आपको? Yes. Okay. Oh. Hold, 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 hold. मामा देगी. Oh, wow. पीना? इधर आओ. Hmm. सब बोल रहे थे आपको फीवर हो गया? Yes. तो ठीक हो गया फीवर आपका? Yes. बता दो सबको. बताओ. Start better. स्टार बने? Yes. Okay, सबको बता दो आपका फीवर ठीक हो गया? Yes. बताओ? Yes. ठीक हो गया? Yes. Are you doing fine? Yes. Okay. Orange juice. Thank you.
और अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं कौन सा सूट पहनूं. मेरे पास बहुत ज्यादा एथनिक वेयर यहाँ पर नहीं है. अभी मेरे पास फिलहाल यही दो सूट्स हैं जो मेरी मम्मी इंडिया से मेरे लिए इस बार लेकर आई थी. ये वाला सूट मैंने काफी बार पहन लिया है एंड ये वाला अभी तक मैंने कहीं बाहर नहीं पहन के गई हूँ, तो सोच रही हूँ ये वाला पहन लूँ. बट समहाउ मुझे इसकी फिटिंग अपने ऊपर अच्छी नहीं लगी है, थोड़ा सा लूज रहता है मुझे कहीं कहीं से और कहीं कहीं से टाइट रहता है. एक्चुअली रेडीमेड सूट्स में ये होता है ना, अगर आप खुद से नहीं स्टिच करा रहे तो वो कहीं ना कहीं से फ्लॉज रह जाते हैं फिटिंग में. बट ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छे से फिट होता है, सो आई एम कन्फ्यूज कि मैं ये वाला पहनूँ या ये वाला. और अंशुल से अगर पूछो तो वो बोलेंगे दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही तो ग्रीन कलर के हैं, कोई भी पहन लो. तो अनिरुद्ध अभी शावर लेकर आया है. आजकल उसको शाम को शावर लेने की आदत लग गई है क्योंकि प्री स्कूल से जब वो आता है तो हम उसे एक बार ज़रूर शावर करा देते हैं, जिससे कि जो भी बच्चे आपस में खेलते हुए जर्म्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं वो सब निकल जाते हैं. और आज तो वो स्कूल नहीं गया था, तब भी उसको शावर लगा हुआ था, तो उसको डैडी ने शावर कराया है और अब मैं उसे ड्रेसअप कर रही हूँ. और ये उसका आउटफिट भी मैंने अभी ओल्ड नेवी से ही लिया था. ओल्ड नेवी में काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, बच्चों के कपड़े काफ़ी चीप प्राइस पे आपको मिल जाएंगे और बच्चों के कपड़े तो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बहुत सारे पैसे स्पेंड करना बच्चों के स्पेशली कपड़े खरीदने में. इसीलिए आप ज़रूर एक बार उनका स्टोर चेकआउट करिएगा अगर आपको भी बच्चों के कपड़े चाहिए तो. और फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं लाइट ग्रीन कलर का सूट ही पहनूंगी. अंशुल ने बोला यही पहनो, यही अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये पहन लिया है. और अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करूँगी, बहुत लाइट मेकअप करूँगी, जस्ट टू लुक अ लिटिल पुट टुगेदर. मैंने प्राइमर लगाया है, उसके बाद मैं बीबी क्रीम लगा रही हूँ. मुझे फाउंडेशन वगैरह लगाना पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केकी ओवरडन लगता है मेरे फेस पे, इसीलिए बस हल्की सी मैंने बेबी क्रीम लगाई है टार्ट कॉस्मेटिक्स की. और बहुत ही लाइट हैंडेडली थोड़ा सा लूज पाउडर लेकर मैं बेस को सेट करूँगी. और जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरी आईब्रोज ऑलरेडी काफ़ी थिक एंड डेंस हैं, तो मैं उन्हें कभी भी फिल नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरडन लगता है, इसीलिए बस मैं स्पूली से इनको कोम करके सेट कर लेती हूँ. और मैंने बहुत ही लाइट आई मेकअप किया है जैसा कि आप देख ही सकते हो. और अभी मैं ब्लश लगा रही हूँ जो कि मेरा बहुत फेवरेट स्टेप है मेकअप में. बहुत ही लाइट ब्लश मैंने लगाया है और बस मैं मेकअप कंप्लीट करूँगी लिपस्टिक के साथ. और लिपस्टिक ये है हुडा ब्यूटी की शो गर्ल, ये शेड मुझे बहुत पसंद है. सो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे ये महाराष्ट्रियन नट दी है, अभी रिसेंटली ही दी है. मैंने सोचा आज इसे ट्राई करते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके की लगती है. ये बहुत सुंदर लगी मुझे ये वाली तो, स्पेशली बहुत ज्यादा सुंदर है. और एक और है थोड़ी छोटी है वो, अभी दिखाती हूँ. मैं आप लोगों से भी सजेशन नहीं ले सकती कि मैं कौन सी वेयर करूँ, आज मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं इन दोनों में से कोई एक वेयर करके जाऊँ. मे बी आई थिंक छोटी वाली ज़्यादा आज के फंक्शन के हिसाब से ठीक लग रही है, सो क्या कहते हो. एक बार और बड़ी वाली पहन के फिर से आपको दिखाती हूँ. ये अगर आपका पियर्सिंग नहीं भी हुआ हुआ तब भी आप इसे पहन सकते हो, ये टक करने वाली है. चलो अंशुल से पूछते हैं कौन सी पहनूं. सो आज अंशुल को भी ये वाली नथ ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा कि यही वाली पहन लेती हूँ. और ये मेरा बेटा भी तैयार हो गया है, इसको डैडी ने कुछ खिला भी दिया है और अब हम लोग जाने वाले हैं मंदिर. गोविंद आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? अच्छा कैसा लग रहा है मम्मा का ये? उससे आप कुछ भी पूछो, एरोप्लेन कार उसके हर लाइन के सेकेंड वर्ड में होता है. हाय बोलो, कहाँ जा रहे हो आप? बस दूसरा फोन है आपका? दूसरा फोन नहीं हो, फोन करना होगा. हाँ ठीक है, लगेगा. कहाँ जा रहे हो आप? फिश देखने. झूला लगा है आज, लगता है बड़ा फंक्शन है, काफी भीड़ लग रही है अभी, तो हम बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए. और अंशुल को काम है तो बस वो हमें ड्रॉप करके चले जाएंगे और हम दोनों मस्ती कर लेंगे, उसके बाद फिर फोन कर देंगे तो हमें पिक भी कर लेंगे, तो ठीक रहता है, कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है. और बहुत तेज धूप भी है, 6:30 हुआ है लेकिन धूप बहुत तेज है.
हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और आज काफ़ी भीड़ है, काफ़ी चहल पहल है। तो अच्छा लगता है ना कभी कभी जब इतनी चहल पहल आप इतने सारे लोगों को एक साथ देखते हो, क्योंकि अक्सर हम लोग यहाँ पे ऐसी चहल पहल नहीं देखने मिलती। और सबसे पहले हम लोग पौंड आए हैं फिश देखने। अनिरुद्ध का ये फेवरेट स्पॉट है, आप चाहे उसे यहाँ पे घंटा भर खड़े रखो, वो बहुत इंजॉय करता है फिश देखना। और मंदिर में ही बहुत सुंदर बर्ड केज है जहाँ पे बहुत ही कलरफुल पैरट्स हैं, पिकॉक है, देखिए ये ब्यूटीफुल पिकॉक। और ये बॉलीवुड सॉन्ग परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, मैंने उनका ऑडियो हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा सॉन्ग हो सकता है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये देवदास मूवी का सॉन्ग है और ये सॉन्ग है आजा नचले, माधुरी दीक्षित का, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आप सभी को पता ही होगा और शायद आप डांस स्टेप से गेस भी कर पा रहे होंगे, बट आप पहला सॉन्ग ज़रूर गेस करिएगा। और बस डांस परफॉर्मेंसेस के बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ एक पिक्चर ली। Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna Hare Krishna, Sitaram Sitaram Sitaram. Kabhi Ram banne ke, kabhi Shyam banne ke, chale aana, chale aana Prabhu ji, chale aana. Kabhi Ram banne ke, kabhi Shyam banne ke, chale aana. प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, हर साथ लेके सीता साथ लेके चले आना। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस घर आ चुके हैं और अभी हुआ है 8:30, तो काफ़ी देर इन्जॉय कर लिया और आज मैंने बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाए। टू फैमिलीज से मैं नई फैमिली से मिली जो अभी अभी कैलिफोर्निया से अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और एक फैमिली से मैं मिली जो शिकागो से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यहाँ रहने की ये होती है कि कोई भी इंडियन दिखते ही हमें लगता है ये हमारा फ्रेंड है, हम बात करना स्टार्ट करते हैं, नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जब आप फॉरेन लैंड पे रहते हो तो आपके लैंड का कोई जब आपको दिखता है तो वो आपकी फैमिली भी बन जाता है। तो इसी तरीके से लाइफ चलती रहती है, यहाँ पे फ्रेंड्स ही फैमिली हैं। शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे मेरी इस बात से जो यहाँ रहते हैं, और काफ़ी लोगों ने मेरी इस नत की तारीफ करी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन माय डियर सोनम फॉर गिफ्टिंग मी दिस। एंड अब अनिरुद्ध थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, उसको एक्चुअली फिर से मुझे लग रहा है कि फीवर आ रहा है, तो अभी उसके डैडी उसके लिए दूध वगैरह बना रहे हैं, दूध वगैरह देंगे उसको और फिर उसको बेड के लिए मैं रेडी करूँगी, सुलाऊंगी, मैं भी बस चेंज वगैरह करूँगी, काफ़ी थक गई हूँ, दिन में सोई नहीं,
बस मैं भी आराम करूंगी और फिर कल फिर से बड़ा लंबा दिन है, सुबह सुबह जल्दी उठना है, मैया रानी का भोग बनाना है, तो उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, चलते यू टेक केयर, बाय। और कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।